क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले अपने बात की फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्वेंट्री. सेकेंड अपने बात की फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन इन क्वेश्चन. उसमें फ्लो चेंज हो जाता है, फर्स्ट प्रोसेस से बन के फर्स्ट प्रोसेस के स्टॉक में जाता है, फिर वहाँ से फिर सेकेंड प्रोसेस में, फिर सेकेंड प्रोसेस से उसके स्टॉक में, याद आ रहा है? फिर थर्ड अपन ने बात की थी फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP स्टॉक्स आर गिवन इन क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर फोर, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस प्रोसेस सेकेंड एंड सबसिक्वेंट प्रोसेस. मतलब व्हेन WIP स्टॉक्स आर गिवन इन क्वेश्चन. प्रोसेस सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेस मतलब थर्ड फोर्थ ऐसा, व्हेन WIP स्टॉक्स आर गिवन इन क्वेश्चन. इसको बोलते हैं टू मटेरियल कॉन्सेप्ट. ब्रैकेट में लिख लो टू मटेरियल कॉन्सेप्ट. टू मटेरियल कॉन्सेप्ट. देखो ये इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. कोशिश करते हैं समझ में आ जाए. जैसे मान लो कि अपन अगर जैसे अपने सी एग्जाम्स की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फाउंडेशन. और सेकंड प्रोसेस इंटर. ठीक है, अभी एक बात बताओ कि जो स्टूडेंट सीए इंटर में है, जैसे मान लो तुम लोग हो, तो तुम्हारा ये सीए इंटर वर्क इन प्रोग्रेस है. अब जैसे तुम्हारा लेवल ऑफ कम्प्लीशन बात करें तो 20% है. किस पॉइंट से? फाउंडेशन या इंटर? इंटर. इंटर में कोई भी स्टूडेंट अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट यही होगा ना कि वो फाउंडेशन तो क्लियर हो गई होगा. हाँ समझ गए. तो आप एक बात बताओ, सेकंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स होगा, सेकंड प्रोसेस में कोई भी अगर गुड्स होगा तो वो फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट ही होगा ना. अब जैसे मान लो अपन बना रहे हैं सेकंड प्रोसेस कौन से महीने का? जनवरी का. जनवरी मंथ का सेकेंड प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं और यहां पे ओपनिंग WIP है. तो ये क्या है? ये ओपनिंग WIP क्या है? ये किसका है? ये प्रोसेस वन का क्लोजिंग WIP, प्रोसेस सेकेंड का ओपनिंग WIP हो जाएगा. अरे प्रोसेस फर्स्ट का क्लोजिंग WIP, प्रोसेस सेकंड का ओपनिंग WIP कैसे हो जाएगा? ये प्रोसेस सेकंड का क्या है? ओपनिंग WIP है. मतलब ये लास्ट मंथ का प्रोसेस सेकंड का क्लोजिंग WIP है. हाँ अब आप मुझे बताओ ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है. किसके पॉइंट से? प्रोसेस सेकेंड पॉइंट से या प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट से? प्रोसेस सेकेंड पॉइंट से. तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप को समझाओ कि अगर मैं जनवरी मंथ का प्रोसेस सेकेंड बना रहा हूँ तो ये फर्स्ट जनवरी को प्रोसेस सेकेंड में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है. मतलब ये दिसंबर का सेकेंड प्रोसेस का क्लोजिंग WIP है.
अच्छा, ये आया कहाँ से प्रोसेस सेकंड में? फर्स्ट प्रोसेस से। इस पीरियड में आया या पिछले पीरियड में आया? पिछले पीरियड में ये प्रोसेस फर्स्ट से आया, और ये प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है। बोलो। थोड़ा सा क्लिक करेगा ना तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब ये 100 यूनिट्स है, अब इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन बोला है मटेरियल लेबर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 80, 70 और 50। अब ये कौन से मटेरियल की बात हो रही है बताओ? प्रोसेस सेकंड। देखो बहुत इजी है, अगर तुम इंटर में हो और तुमको कोई पूछे कितना कोर्स हुआ, तुम बोल रहे हो हमारा भाई 60% कोर्स हुआ है, इसका मतलब आप इंटर के बारे में बात करोगे ना, फाउंडेशन के बारे में क्यों बात करोगे भाई? आप ये तो ना बोलोगे नहीं फाउंडेशन तो 100% हो गया और इंटर हमारा 50% हुआ, ऐसा बोलोगे क्या? तो अगर प्रोसेस सेकंड का वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये लेवल ऑफ कंप्लीशन भी प्रोसेस सेकंड का होगा। तो ये जो मटेरियल बोल रहे हैं 80% कंप्लीट है, ये किस प्रोसेस के मटेरियल की बात हो रही है? सेकंड प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट प्रोसेस से जो कंप्लीट हो गया सेकंड प्रोसेस में जाता है, क्या उस पर सेकंड प्रोसेस में मटेरियल लगता है? फर्स्ट प्रोसेस से जो बन के गुड सेकंड प्रोसेस में जाता है, क्या उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए सेकंड प्रोसेस में मटेरियल लेबर ओवरहेड लगता है या नहीं लगता है? लगता है। लेबर ओवरहेड तो लगता है, हो सकता है कि मटेरियल भी लगता हो। बोलो यार। तो आप ये बताओ कि ये जो 100 यूनिट है ना, ये फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। इस पीरियड में हुआ या पहले हो गया था? पहले ही हो गया था ये, है ना? बोलो। अब अगर मान लो इनका कॉस्ट दे दिया जाए कि भाई मटेरियल का इन सब का टोटल मिला के जो कॉस्ट दिया जाए वो 10,000 है, ठीक है? अब बताओ मुझे 10,000 के अंदर क्या क्या है? प्रोसेस फर्स्ट की कॉस्ट भी है, प्रोसेस सेकंड का मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है। तो जो प्रोसेस फर्स्ट का जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं M1। क्या बोलते हैं? इसके अंदर चार एलिमेंट है, एक M1 है, इसको बोलते हैं M2, और ये लेबर ओवरहेड हो गया। अभी थोड़ा जग के सोचो, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए, अभी तक जो फर्स्ट प्रोसेस के क्वेश्चंस किए, कभी किसी क्वेश्चन में देखा तुमने इनपुट और डायरेक्ट मटेरियल? क्या कर रहे थे तुम अभी तक? वो इनपुट जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल ऐड करके हम लोग बोल रहे थे ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है बताए? सोचो सोचो, प्रोसेस सेकंड में जो गुड्स आ रहे हैं वो प्रोसेस फर्स्ट से आ रहे हैं, उसको बोलते हैं M1, फर्स्ट मटेरियल। और उस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है सेकेंड प्रोसेस में फर्दर कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं M2। और ऐसा हो सकता है कि सेकेंड प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट M2 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सेकेंड प्रोसेस में कोई गुड्स और वो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। तो यहां पे क्या हो गया? M1 अलग हो गया और M2 अलग हो गया। M1 क्या है? जो प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर होके आया उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? M1। और जो सेकेंड प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? M2। तो सेकेंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स ऐसा हो सकता है, सेकेंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स ऐसा हो सकता है जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट ना हो, लेकिन वो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि M2 हो ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि M2 हो ही नहीं, मतलब सेकेंड प्रोसेस में और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लग ही नहीं रहा हो, सिर्फ लेबर ओवरहेड लगा के कन्वर्ट हो रहा हो। बोलो। yes, लेकिन M1 ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो समझने वाली बात इतनी सी है कि ओपनिंग WIP 100 है,
अब क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि दिस इज 100% कंप्लीट फॉर एम वन, वो बाय डिफॉल्ट है कि भाई सेकंड प्रोसेस का इनकम्प्लीट है, इसका मतलब फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट से तो कंप्लीट है, बस फर्क इतना सही है कि वो पहले ही कंप्लीट होके पिछले पीरियड में आ चुका है, उसके बाद तो सेकंड प्रोसेस में और बन गया ये। आया समझ में? हाँ बोलो। अब इसमें नाटक क्या होते हैं देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपन ने लिखा कि ओपनिंग WIP कितनी यूनिट्स है, 100, ठीक है, जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 80% है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 70 है, ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 50 है, और इन सब की कॉस्ट मिला के 10,000 है। अब ये हालांकि तीन दिए हुए हैं पर ये कॉस्ट 4 की है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस से जो ट्रांसफर हो गया है उसकी कॉस्ट प्लस सेकंड प्रोसेस का मटेरियल लेबर ओवरहेड ये सब मिला के कितना है, 10,000। सेकंड अगर आपको बोला जाए करंट पीरियड कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट मतलब कौन से महीने की, हाँ जनवरी की, करंट पीरियड कॉस्ट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कौन से महीने की, जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट 1900 यूनिट्स, सुन रहे हो रे, कॉस्ट चलो एट द रेट ले लेते हैं 50, कितना हो गया, 95,000। ये क्या है 95, M1 या M2, M2 है ये, क्या है ये, M1 है ये, उसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल लेबर और ओवरहेड, तो 20,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 20,000 का लेबर है और 10,000 का क्या है ओवरहेड है, ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ये लेबर और ये ओवरहेड हो गया। उसके बाद नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, मान लो रियलाइजेबल वैल्यू ले लेते हैं एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। अब टोटल इनपुट अगर देखा जाए तो 100 तो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस था, 1900 और आ गया, कितना हो गया 2000 का 10% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, मतलब 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, आउटपुट आना चाहिए 800। फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स और क्लोजिंग WIP 250 यूनिट्स, मतलब 50 का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, इन्वॉल्व रहो। अब इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या बोला, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100%, लेबर 90 और ओवरहेड 80, ये बताओ कौन से मटेरियल की बात हो रही है, M1 या M2 या दोनों, M2 क्यों, अभी यार सेकंड प्रोसेस का इनकम्प्लीट है तो लेवल ऑफ कंप्लीशन भी सेकंड प्रोसेस का होगा ना, फर्स्ट का काय को होगा, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, M2 के पॉइंट से बात कर रहे हैं, समझ में आया। अब मेथड वही है, FIFO LIFO वेटेड एवरेज। अब यहां पे जैसे अगर अपन अप्लाई करें कौन सा मेथड, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब क्या होने वाला है यहां पे, जब तुम इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाओगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अब इसमें क्या होगा, मटेरियल के कितने कॉलम बनेंगे,
एम वन एम टू लेबर और एक कॉलम और बनेगा, कौन सा? हाँ एम वन जो फर्स्ट प्रोसेस से ट्रांसफर हो गया है वो, एम टू जो सेकंड प्रोसेस का मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। ऐसा हो सकता है कि ये ना हो, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये ना हो, समझ गए? अब क्या होगा देखो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इनपुट कितना, ओपनिंग WIP, चलो कितना, 100। इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन बताओ, एम वन पॉइंट से, एम टू लेबर और ओवरहेड, 80 70 50, 80 70 50, ये लेवल ऑफ कंप्लीशन है। और करंट पीरियड इनपुट या करंट पीरियड ट्रांसफर 1900। अब बताओ इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन बताओ, एम वन पॉइंट ऑफ व्यू से 100 और बाकी एम टू लेबर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 0। क्यों? अभी तो आए ही है, अब बनेगा ये। जिसको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और सिमिलरिटी समझ में आ जाएगी, उसको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में सिमिलर क्या है? ये जो 100 यूनिट है और जो ये 1900 यूनिट है, ये फर्स्ट प्रोसेस से आई है, ये सिमिलर है, डिफरेंस क्या है? ये जो 100 यूनिट है ना, ये फर्स्ट प्रोसेस से पिछले पीरियड में कंप्लीट होके आई थी, और ये 1900 यूनिट इस पीरियड में कंप्लीट होके आई है। बोलो यार, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि ये और ये दोनों फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट से कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, बस फर्क इतना सा है कि ये पिछले पीरियड में ही कंप्लीट होके आ गई थी और ये इस पीरियड में कंप्लीट होके आई है। बोलो, अब आप ये बताओ यहाँ पे अपन क्या लेते हैं? अपन यहाँ पे लेते हैं एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन, यही होता है ना। अब आउटपुट साइड में बात करते हैं, नॉर्मल लॉस 200, एबनॉर्मल लॉस शायद 50, फिनिश गुड्स कितना है टोटल, फिनिश गुड्स 1500, 1500 ही है ना ये रहा। अब 1500 में से 100 तो ओपनिंग WIP और 1400 करंट पीरियड इनपुट, क्लोजिंग WIP कितना था 250। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स, WIP, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कॉलम है? M1। अब अपन क्या बोलते हैं, M1 है क्या? फर्स्ट प्रोसेस से जो ट्रांसफर हो गया है उसकी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? M1 बोलते हैं। अब अपन लोग इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में यहाँ लेते क्या है कि भाई एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या करो, माइनस कर दो। तो आप चलो नॉर्मल लॉस के सामने तो क्या हो गया, निल हो गया। आप मुझे सिर्फ M1 कॉलम बताओ, M1 कॉलम में क्या चलेगा? एबनॉर्मल लॉस, अच्छा ये जो 50 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है ये किस में से हुआ? अरे हाँ, प्रोसेस सेकंड में तो हुआ है। एबनॉर्मल लॉस जो 50 यूनिट हुआ है किस में से हुआ है, 100 में से हुआ है या 1900 में से हुआ? करंट पीरियड से हुआ है। क्या ये M1 पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इसी पीरियड में बनी है? अरे ये 50 यूनिट किस में से है? 1900 में से। तो ये 1900 100% इसी पीरियड में तो बन के आया है। कहाँ से? प्रोसेस फर्स्ट से। क्या
लिख सकता हूं ना मैं 100%? बोलो क्या लिखूं, जीरो? क्या ये सही है 100% या गलत है? मैं तो पूछ रहा हूं क्या लिखूं, तो तू बता। किस में से जाएगा? M2 से जाएगा। प्रोसेस सेकंड में हुआ तो, पर हुआ किस में से? जो प्रोसेस फर्स्ट की यूनिट प्रोसेस सेकंड में आई, इंटर में कौन फेल होगा? इंटर में फेल होने वाला आएगा कहाँ से? फाउंडेशन से ही तो आएगा, या सीधे इंटर में आ जाएगा? प्रोसेस सेकंड में लॉस होगा, तो वो लॉस होगा किस में से? जो प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफर होके आएगा, फर्दर प्रोसेस करेगा, वही लॉस होगा ना। M2 क्या है? M2, M2 से कोई यूनिट थोड़ी बढ़ रही है। M2 तो क्या है? शर्ट का बटन, शर्ट का बटन, स्टिचिंग थ्रेड, वो M2 है। हाँ? अरे प्रोसेस सेकंड में कोई नया मटेरियल थोड़ा नहीं इश्यू होता है जिससे कि यूनिट्स बढ़ जाए। प्रोसेस सेकंड में क्या लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, उससे यूनिट्स थोड़ा बढ़ती है, वो तो फर्दर प्रोसेसिंग में हो गया। तो ये जो 50 यूनिट लॉस होगी, ये किस में से होगी? किस में से? ये 1900 में से होगी ना। तो ये 1900 प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? इसी पीरियड में तो कंप्लीट हुआ है, तो ये 100 ही तो आएगा यहाँ। बोलो। अच्छा अब ये बताओ, ये 1400 यूनिट किस में से है? ये 1400 यूनिट जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है, ये 1900 में से है क्या? तो ये भी तो करंट पीरियड में ही कन्वर्ट हुई है। क्या लिखूं इसके सामने? 100%। और WIP ये 250 यूनिट किस में से? ये भी इसी में से है ना। बोलो। तो ये भी इसी पीरियड में कंप्लीट हुई 250। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां बता दो जिसकी अक्कल काम कर रही हो। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो तुम बता दो लिखना क्या है। शायद जीरो। हाँ क्यों? ये जो 100 यूनिट सुन रहे हो क्या? क्या ये जो 100 यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है, ये कौन सी? ये है ना। तो ये तो पहले ही M1 पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट थी ना। बोलो। क्या इन 100 यूनिट की कॉस्ट में, क्या इन 100 यूनिट की कॉस्ट में M1 की कॉस्ट एडेड है? हाँ। तो ये जो 100 यूनिट ओपनिंग WIP का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ है, ये वाला तो ये तो पिछले पीरियड में ही M1 पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गई थी ना। इस पीरियड में थोड़ा M1 पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुई है। अपन लोग यहां पे क्या लेते हैं? अपन लोग यहां पे लेते हैं इस पीरियड में कितना कंप्लीट हुआ है। तो ओपनिंग WIP के सामने यहां पे क्या आएगा पता है? निल आएगा। क्यों? मैं ओपनिंग WIP पे M1 का कोई खर्चा चार्ज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्या है? चार्ज है। तो इस कॉलम की खासियत क्या है पता है? इस कॉलम की खासियत यह है कि ओपनिंग WIP के सामने निल आता है और बाकी सबके सामने 100% आता है, क्योंकि सेकंड प्रोसेस में कोई भी गुड्स ऐसा हो ही नहीं सकता है जो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। बस फर्क इतना सा है कि ये जो 100 यूनिट है, ये वाली, ये पिछले पीरियड में ही कंप्लीट होके आई थी, और ये जो 1900 यूनिट है, ये इस पीरियड में बन के आई है।
तो समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो क्या होगा पता है, ये M1 कॉलम में क्या होता है, M1 कॉलम में ओपनिंग WIP के सामने क्या होता है, निल आता है, और बाकी सबके सामने 100%। और ये जो तीन कॉलम है इनकी रामायण वही है जो अभी तक बात कर रहे थे। नॉर्मल लॉस के सामने तो क्या हो गया, निल हो गया। एबनॉर्मल लॉस के सामने अगर लेवल ऑफ कंप्लीशन दिया है तो ठीक, नहीं तो 100%। अब बताओ ये 100 यूनिट का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, ये 100 यूनिट पहले ओपनिंग WIP था, इनकम्प्लीट थी, पर ये अब क्या हुआ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, समझ में आया। तो जिसकी अक्कल काम कर रही वो बताओ ये 100 यूनिट का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, 100%, और इसका बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन ये रहा। तो यहां कितना लिखूं अब, 20, 30 और 50। तो पहले भी यही करते थे, ओपनिंग WIP के सामने क्या लिखते थे, 100% माइनस लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP। नहीं आया समझ में, तो अभी भी मैंने वही लिखा है, 100 माइनस लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP। अच्छा ये 1400 यूनिट की बात करें, ये 1400 यूनिट इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है, और बिगिनिंग में इनका लेवल ऑफ कंप्लीशन जीरो था सेकेंड प्रोसेस पॉइंट से, तो क्या आएगा बताओ, 100%। बोलो अब ये जो 250 यूनिट है ये बताओ ये किस में से है, 1900 में से, तो इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, 190-80, और इनका बिगिनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन जीरो था, क्या लिखूं बताओ। हंड्रेड नाइन्टी और 80 नहीं आया, नया क्या है, नया M1 नया है, और M1 के सामने समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो घोट लो, क्या घोटना है, ओपनिंग WIP के सामने निल आता है और बाकी सबके सामने 100% आता है, नॉर्मल लॉस के सामने तो वैसे ही कुछ नहीं आता है। बोलो, और बचे हुए जो तीन कॉलम है कौन सा, M2 लेबर ओवरहेड, उनके सामने वही एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना होता है। अरे आया क्या, अब इसका सम करोगे तो बाकी तो ठीक है नॉर्मल है, ये तुम्हारी इक्विवेलेंट यूनिट हो गई M1 की, M2 की, लेबर की और ओवरहेड की। अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो किस किस की निकालोगे, M1, M2, लेबर और ओवरहेड। M1, M2 ऐड नहीं कर सकते, अब ये M1 की क्या होगी, कॉस्ट आ जाएगी, और नॉर्मल लॉस का जो रियलाइजेबल वैल्यू वो M1 में से माइनस होता है, क्यों, क्योंकि बेसिक इनपुट जो सेकंड प्रोसेस के लिए वो क्या है, M1 है, तो जो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू है वो M1 में से माइनस हो जाएगा, बाकी वही है इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब वैल्यूएशन स्टेटमेंट में वैल्यूएशन किस किस का करोगे बताओ, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और WIP। अब क्या होगा यहाँ पे, एक कॉलम आएगा किसका, ओपनिंग WIP का, एक कॉलम आएगा M1, एक आएगा M2, बाकी लेबर और ओवरहेड। अब फीफो में ओपनिंग WIP की कॉस्ट फिनिश गुड्स में चार्ज जाएगी, बाकी यहाँ वही करना है, क्या, इक्वल इन यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा इसी को अगर मैं उस मेथड से लूँ, किससे, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या होगा बताओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे जाओगे तो क्या होगा, इसी को अगर अपन लीफो से लें, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो फिनिश गुड्स है, कितनी यूनिट है फिनिश गुड्स की, ये 1500 किस में से, ये जो 1500 है वो किस में से, 1900 में से, ये
इन ऑल रेस्पेक्ट 100% इसी पीरियड में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब 250 के दो पार्ट हो जाएंगे, 100 और 150। अब ये 100 जो क्लोजिंग WIP में है वो यही है ना ओपनिंग WIP वाला। अब ये M1 पॉइंट ऑफ व्यू से तो पिछले पीरियड में ही कन्वर्ट हो गया था ना, तो यहाँ पे इसके सामने क्या होगा, निल आएगा। और ये जो 150 है इसके सामने यहाँ पे क्या होगा, 100% आएगा। और अब 100 यूनिट के सामने क्या लिखना है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या करना है, माइनस करना है। अब जो समझदार है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये उसका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है और ये उसका बिगनिंग का लेवल है। तो एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना है, 100 90 80, 100 90 80। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ 20% कहाँ से है, 100 माइनस 80, यहाँ पे ये कहाँ से है, 20, 90 माइनस 70, और यहाँ पे आएगा 30, 80 माइनस 50। और रही बात ये 150 यूनिट्स का, इनका जो लेवल ऑफ कंप्लीशन है वो इसी पीरियड का है, तो 100 90 80। तो ये कॉलम में क्या हुआ, ये वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओपनिंग WIP के सामने निल आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड प्रोसेस का ओपनिंग WIP है वो फर्स्ट प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, पर वो पिछले पीरियड में ही कंप्लीट हो गया था, इस पीरियड में नहीं हुआ है। आई बात समझ में? और बाकी जो ये तीन कॉलम हैं ये तो वैसे ही हैं, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना, जैसा पहले कर रहे थे, आया गया। बाकी वही है, कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलेगा और ओपनिंग WIP अब क्लोजिंग WIP पे चार्ज जाएगा। और अगर आप वेटेड एवरेज मेथड में जाओगे तो क्या होगा बताओ, वेटेड एवरेज मेथड में हमको पता ही नहीं होता है क्या चीज कि ओपनिंग WIP गया कहाँ। तो इस केस में जो तुम्हारा क्लोजिंग WIP 250 है, अब मुझे यहाँ बताओ क्या आउटपुट साइड में कहीं कोई ओपनिंग WIP है क्या, बोलो यार। तो ये 250 के सामने क्या होने वाला है बताएं, 100%, और बाकी वही 100 90 80। और कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो तुम्हारा करंट पीरियड कॉस्ट में ओपनिंग WIP का कॉस्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नया क्या है, नया 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 ये है M1। अब लॉजिकली समझ में आए तो बेटर है, नहीं तो सीधी बात है, M1 कॉलम के अंदर ओपनिंग WIP के सामने नहीं लाएगा और बाकी सबके सामने 100% आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड प्रोसेस में कोई गुड्स ऐसा हो ही नहीं सकता है जो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट हो। और ओपनिंग WIP के सामने भी निल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो M1 पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट तो है लेकिन पहले ही हो गया था, इस पीरियड में उस पर कोई एक्सपेंस M1 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ। आया? अब बताओ थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, M2 M3 वो रहता है, M1 M2 ये थर्ड प्रोसेस में M1 क्या होगा, जो सेकंड प्रोसेस से ट्रांसफर होके आया वो M1 है और जो थर्ड प्रोसेस का मटेरियल है वो क्या है, M2 है। तो M1 मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और M2 मतलब मटेरियल कॉस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस का जो, उसको हम लोग बोलते हैं M2। आया गया? ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है उन लोगों के लिए जो लॉजिकली नहीं जाते, बाकी अगर लॉजिकली जाओ तो इजी है, समझ में आ जाना, मतलब थोड़ा सोचना तो पड़ेगा कि बात क्या हुई। आई बात समझ में? लिखो हेडिंग क्या डाल रखा है,
टू मटेरियल कॉन्सेप्ट, हाँ टू मटेरियल कॉन्सेप्ट, इसमें लिखो एम वन इक्वल्स टू, एम वन इक्वल्स टू क्या होता है, एम वन इक्वल्स टू एम वन इक्वल्स टू ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, एम वन इक्वल्स टू ट्रांसफर कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और एम टू इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोसेस, मतलब फोर्थ प्रोसेस बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि M3 M4 कॉन्सेप्ट आ गया, वो है M1 M2, ये टू मटेरियल कॉन्सेप्ट एक्चुअली, आया समझ में, बोलो आगे लिखो, सेकेंड और सबसीक्वेंट प्रोसेस, सेकेंड और सबसीक्वेंट प्रोसेस, कैन बी प्रिपेयर सेकेंड और सबसीक्वेंट प्रोसेस कैन बी प्रिपेयर बाय बाय यूजिंग बाय यूजिंग क्या लीफो फीफो और वेटेड एवरेज, पहले एक एग्जाम्पल करो फिर फॉर्मेट बनाते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, अगर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं हुआ तो, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं हुआ तो क्या होगा, कौन सा मेथड होगा, फीफो लीफो या वेटेड एवरेज, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं हुआ तो कौन सा मेथड लोगे, जरूरत ही नहीं है ना, अरे ढांडे हो गया रे, अरे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी होता है तभी तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज की जरूरत आती है, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं हुआ इसका मतलब जो भी आउटपुट है वो करंट पीरियड इनपुट से हुआ ना, फिर तो ये लीफो फीफो वेटेड एवरेज मेथड लगते ही तब है जब क्या ओपनिंग स्टॉक हो, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, टू हंड्रेड यूनिट्स, M1, M2 लेबर और ओवरहेड 100% 80 70 60 कॉस्ट 5000 4000 2000 1000
अब यहाँ पे बताओ कौन कौन से मेथड तुम ले सकते हो, फीफो भी ले सकते हो, लीफो भी ले सकते हो और वेटेड एवरेज। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी अपनी, 12,000, 5, 4, 9, 10, 12, 12,000 हो गई ना। तो ओपनिंग WIP 200 यूनिट्स, ठीक है, 12,000 उसकी कॉस्ट है, करंट पीरियड कॉस्ट। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट 2,800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30। डायरेक्ट मटेरियल ₹50,000, लेबर ₹20,000, ओवरहेड ₹10,000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, रियलाइजेबल वैल्यू 40, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। टू थाउजेंड यूनिट्स, क्लोजिंग WIP 600 यूनिट, मटेरियल 90, लेबर 80, ओवरहेड 60। कौन सा मटेरियल है ये, M2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, क्या बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, कौन से मेथड से, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज खींचो।